दोस्तों सिर्फ 35,000 की इस मशीन से आप कर सकते हो 4 से 5 टाइप के बिजनेस। और अगर आप ये मशीन सिर्फ 2 घंटा भी दिन में चलाते हो तो आप आराम से दिन के 3 से 4 हज़ार रुपए तो कमा ही सकते हो। जहाँ पर इसी बिजनेस आइडिया की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ मेरे घर से 1600 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में। और एक ही मशीन से इतने सारे बिजनेस करना तो आपके लिए तो फायदेमंद है ही, बट आपको एक मार्केट सर्वे करने के लिए भी फायदा हो जाता है। मतलब अगर आपका समझो एक प्रोडक्ट नहीं चले तो आप दूसरे प्रोडक्ट में डील कर सकते हो, अगर आप दूसरा प्रोडक्ट नहीं चले तो तीसरा कर सकते हो, तीसरा नहीं किया तो चौथा कर सकते हो, चौथा नहीं तो पांचवा कर सकते हो। और ऐसी अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग इस मशीन से आपको इस वीडियो में बनाकर भी दिखाएंगे। तो आइए जानते हैं रामानंद सर और अमित सर से कि क्या आपके लिए इस मशीन से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये जो कंपनी है, मेरा कंपनी रामानंद इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये कम से कम आज 10 साल हो गया, ठीक है, 10 साल से पुराना कंपनी है। ये वेस्ट बंगाल की सबसे पुराना कंपनी है। जो रामानंद कंपनी से जुड़ा हुआ है वो लोग 1000 से कस्टमर से ज्यादा है, वो लोग हर जगह बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो कस्टमर जुड़ा है वो कस्टमर घर पे आराम से बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे लेडीज भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो सर आज हमारी व्यूअर्स को आप क्या बताने वाले हो? तो चलिए मैं आपको इस मशीन में सारे प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं ये बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले काम है जो रेती को गर्म करना, वो काम पहले करते हैं। ये सब प्रोडक्ट भूंजने के लिए रेती गर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि रेती के साथ ही ये सब भूंजते हैं, इसलिए रेती गर्म करना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके सभी को भूंज के दिखाते हैं। ये मशीन में बालू 10 से 15 मिनट गर्म होने का टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम एक एक प्रोडक्ट डालेंगे। अब हम चावल भूजेंगे, मतलब मुड़मुड़ा निकलेगा, तो उसके लिए चावल डाल रहे हैं। तो सर ये जो मुड़मुड़ा बनाने का जो चावल है हर जगह मिल जाता है? हर जगह मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता हो तो हमारे पास कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो ये मुड़मुड़ा जो प्रोडक्ट है वो बंगाल में बहुत चलता है, हर दिन मतलब मुड़मुड़ा खाने के लिए हर लोग रेडी रहता है। तो ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया हर जगह अभी मुड़मुड़ा चल रहा है, तो मुड़मुड़ा के लिए मार्केट अभी बहुत बढ़िया है। तो सर इसमें ये जो पतला मुड़मुड़ा बन रहा है, ऐसे एक जाड़ा मुड़मुड़ा भी आता है, उसके लिए अलग चावल रहता है? अलग चावल रहता है, वो चावल का फर्क है। अच्छा, जैसा चावल डालेंगे वैसा मुड़मुड़ा निकलेगा। अच्छा, छोटा दाना हो या बड़ा लंबा दाना हो। तो आप मुड़मुड़ा का क्वालिटी देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी है यहाँ पे। और ये मुड़मुड़ा आप प्लास्टिक की पैकेट में, जैसे कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, ऐसे पैकेट में भी मार्केट में बेच सकते हैं और खुला में भी बेच सकते हैं। रेती इतनी सी भी आती नहीं, रेती का टेस्ट आता ही नहीं क्या इसमें? नहीं नहीं, रेती आपको एक भी नहीं, 1% भी नहीं मिलेगा। तो देखिए हम चना भून के दिखाते हैं, पहले यहाँ चना डाला जाता है। अब ये चना ऑटोमेटिक भून के निकलेगा बाहर। तो सर इसमें से अभी ऑटोमेटिक आएगा? हाँ, ऑटोमेटिक चना भून के बाहर निकलेगा। ये अभी रेडी है क्या पूरा खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए पूरा रेडी है। अच्छा, इसके साथ कोई कच्चा भी निकलता है कि नहीं निकलता है? पूरा नहीं, नहीं, निकलता नहीं, पूरा निकलेगा। अब ये पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए, गर्म है बहुत, क्वालिटी देखिए। ये मकाई है, इसको अभी पॉपकॉर्न बनाएंगे, कोई सेम तरीके से डालते हैं। तो सर अभी जैसे ये प्रोडक्ट निकल रहा है हमारे, पॉपकॉर्न फिर बाद में फुटाने वगैरह निकल रहे हैं, चने निकल रहे हैं, हाँ, तो इसके साथ रेती भी निकलती है क्या बाहर? नहीं नहीं, रेती नहीं निकलती है, ये जो नेट लगा हुआ है इसमें फिल्टर होके रेत अंदर चला जाता है। अच्छा, और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ बाहर निकलता है। इसको भी आप मार्केट में पैक करके किलो के भाव से बेच सकते हैं या फिर खुद कर भी बेच सकते हैं। और सर इसे मसाला वगैरह ऐड करने रहा, नमक वगैरह ऐड करना रहा, तो फिर वो कैसे करना है? ये बाद में कर सकते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं? बादाम बोलते हैं, मूंगफली का दाना जो है। अच्छा, ये अभी मूंगफली के दाने तैयार है खाने के लिए? हाँ, अभी तैयार है, पैक करके हर जगह भी बिकता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब जगह पे भी आपको इसका कवरिंग आसानी से निकल जा रहा है। रेती सिर्फ इसकी एक बार डाल देनी है, बाद में फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, 1.5 से 2 महीने बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जब रेती खराब हो जाएगा। अच्छा, इसी मशीन में हम पापड़ भूजेंगे, ये पापड़ आप मार्केट में पैक करके बेच सकते हैं।
आप देख रहे हैं जैसे कि ये पापड़ निकल रहा है भूंज के। लो लेट लो। हर एक प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है। किसी इस प्रोडक्ट के लिए जैसे कि टेम्परेचर कम ज़रूरत है और चना वगैरह के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस हिसाब से टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ गैस बर्नर जो लगा हुआ है, देखिए इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सर अगर मैं मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का जो खर्चा है वो कितना आता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और मार्केट में कितने तक सेल कर सकता हूँ वो ज़रा समझाइए। तो ऑल इंडिया का भी सर्वे करना पड़ेगा, बता नहीं सकते हम, बंगाल के हिसाब से बता सकते हैं। अच्छा, कि बंगाल में अभी मुड़मुड़ा का जो चावल है वो 24 रुपये किलो में मिलता है। हाँ, तो उसके बाद आग का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, शॉर्टेज का खर्चा है। शॉर्टेज मतलब? शॉर्टेज मतलब जो उसमें एक किलो में 900 ग्राम आपको मुड़मुड़ा निकलेगा। अच्छा, एक किलो जब हम लोग इसमें डालेंगे तो सिर्फ 900 ग्राम मुड़मुड़ा निकलेगा। अच्छा, ओके। तो इसमें क्या, ये मशीन रोस्टिंग का काम करती है, तो जैसे ही रोस्ट होता है तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर निकलता है। हाँ। तो पहले मॉइस्चर का वजन रहता है और जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, जिससे कि थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है। 10% शॉर्टेज होता है। 10% शॉर्टेज होता है। तो उस हिसाब से प्रति किलो आपका 5 रुपये खर्चा आ जाएगा। राइट। और हमारे यहाँ मुड़ी का भाव है, मुड़मुड़ा का भाव 38 से 40 रुपए। अच्छा, तो उस हिसाब से पर किलो में आपको 8 से 10 रुपए मुनाफा मिल जाएगा। ओहो। तो ऐसा एक मशीन लेके अगर आप दिन में 3 से 4 घंटा चला लिए। हाँ। तो 8 रुपए किलो के हिसाब से आपको 2500 से 3000 रुपए पर डे इनकम मिलेगा। और सर बाकी का जो हम लोगों ने बनाया, जैसे मूंगफली बनाया, चना बनाया, पॉपकॉर्न बनाया, फिर वो रिंग्स बनाया, उसका कैसा कैलकुलेशन है वो जरा समझाइए। जो चना का हिसाब है, अभी बंगाल में चना मिल रहा है 73-73 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर अगर कॉस्टिंग लगेगा तो 3 रुपए मैक्सिमम 3 रुपए कॉस्टिंग होता है। हाँ। और मॉइस्चर के हिसाब से उसमें घाटा होगा 12%। हमारे यहाँ चना का वैल्यू है 90 रुपए पर किलो। अच्छा, तो अगर 3 रुपए खर्चा भी होता है तो उसमें आपको पर किलो 14 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। ओहो। और बाकी जो रहा पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का सेम रहेगा, उसमें भी 2 से 3 रुपए आपका पर किलो में खर्चा आ जाएगा, उसमें भी आपका 14 से 15 रुपए पर किलो प्रॉफिट। हाँ। आ जाएगा। ओहो। और बाकी रिंग्स वगैरह जो है। हाँ। उसका वजन के हिसाब से नहीं होता, उसका सेल होता है पैकेटिंग के हिसाब से। अच्छा। उसमें भी आपको कम से कम 10 रुपए पर किलो प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर हमारे व्यूअर्स को इनमें से समझो बिजनेस शुरू करना है तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी वो जरा समझाइए। तो इसके लिए पहले एक ऐसा मशीन खरीदना पड़ेगा। हाँ। जिसका दाम है 35,000। तो सर इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो मुझे कहाँ से मिलेगा? ये जो रॉ मटेरियल्स है ये आपको हर जगह से मिल जाएगा। अच्छा। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ। हम यहाँ से आपको रॉ मटेरियल्स भेज देंगे। सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का नंबर, एड्रेस और उनका चैनल भी है यूट्यूब पर, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो और उनके सारे वीडियोस भी देख सकते हो अलग अलग मशीनरी के, कैसे कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और कैसे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो।